तहसील मंडी के सेकलू इलाके में आज जम्मू और कश्मीर बैंक के खिदमत सेंटर का इफ्तिताह जे एंड के बैंक ब्रांच मंडी के मैनेजर मोहानी शर्मा ने किया, जिसके बाद इस इलाके के साथ साथ दिगर मुतअद्दिद इलाका जात से ताल्लुक रखने वाले लोगों की मुश्किलात का अजाला होगा। जानकारी के मुताबिक सेकलू, सलोनिया, ए बी, चकराड़ा और बायला के सार्फीन को बैंक से मुतालिक कामकाज के सिलसिले में जे एंड के बैंक मंडी पहुँचना पड़ता था, जहाँ पहले से ही भीड़ होने के नतीजे में उन्हें कतार में खड़ा रहना पड़ता था और दिगर परेशानियों का भी सामना करना पड़ता था। लेकिन अब खिदमत सेंटर सेकलू में खुलने से यहीं पर उनके बेशतर काम सरंजाम दिए जाएंगे, जिसको लेकर सार्फीन ने जम्मू और कश्मीर बैंक अथॉरिटीज़ का शुक्रिया अदा किया है। जे एंड के बैंक ब्रांच मंडी के मैनेजर मोहानी शर्मा ने बताया कि काफ़ी अरसे से खिदमत सेंटर के लिए यहाँ के लोग डिमांड कर रहे थे, जिसे अब यहाँ खोला गया है और अब के बाद लोगों को मंडी बैंक आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने बताया कि खिदमत सेंटर के ज़रिए से यहाँ के सार्फीन कैश पेमेंट ले और दे सकते हैं, अकाउंट स्टेटमेंट और चेक बुक हासिल कर सकते हैं, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के लिए खुद को इनरोल कर सकते हैं, अकाउंट स्टेटमेंट भी यहीं से हासिल कर सकते हैं, जबकि इसके अलावा टर्म स्टेटमेंट्स बनाई जा सकती हैं, केवाईसी, आधार सीडिंग और अकाउंट ओपन भी यहीं से करवाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि खिदमत सेंटर का मकसद ही यही है कि लोगों को बैंक तक ना आना पड़े और यहीं उनके बेशतर काम को सरंजाम दिया जाए। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि यहाँ काफ़ी समय से डिमांड थी लोगों की कि बैंक की सर्विसेज लेने के लिए उन्हें बैंक मंडी तक आना पड़ता है, जो उन्हें दूर पड़ता है। तो उनकी डिमांड थी कि उनके दो स्टेप पे कोई खिदमत सेंटर वगैरह खुल जाए। तो ये तकरीबन दो महीने पहले ये सेंटर यहाँ पे सैंक्शन हुआ था और काफ़ी दिनों से ये काम चल भी रहा है। आज इसकी ऑफिशियली हमने ओपनिंग की हुई है, तो हमें उम्मीद है कि इससे लोग यहाँ लोगों को मंडी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आसपास के जो गाँव हैं सेकलू, सलोनिया, चकरारा, गली पिंडी वगैरह और भी जो तमाम आसपास के गांव हैं वो यहाँ आके बैंक की जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो यहाँ से ही अवेल कर सकते हैं। सर, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ इसमें है? इसमें कैश पेमेंट, कैश रिसीट, अकाउंट स्टेटमेंट, किसी को चेकबुक चाहिए वो यहाँ से रिक्वेस्ट हो जाएगी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना है, सुरक्षा बीमा योजना है, अटल पेंशन योजना है, उसमें आप खुद को यहाँ से इनरोल किया जा सकता है, अकाउंट स्टेटमेंट यहाँ से मिल जाएगी, अगर किसी को टर्म डिपॉजिट बनवाना है वो यहाँ से बना सकते हैं, केवाईसी करवानी है वो यहाँ से हो जाएगी, आधार सीडिंग करवानी है, अकाउंट ओपन करवाना है वो सब यहाँ से हो जाएगा। नहीं, ये इसका मकसद ही यही है कि लोगों को बैंक तक ना आना पड़े, क्योंकि बैंक में अक्सर देखा जाता है कि बड़ा रश होता है, लोगों को लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। तो ये यहाँ खुलने से यहाँ लोगों को यहीं से सारी बेसिक फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, तो बैंक आने की इनको ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर कभी किसी को लगे कि यहाँ कुछ कमी है तो वो हमारे पास ज़रूर आ सकते हैं। ये इस खिदमत सेंटर को मिला के कुल 5 खिदमत सेंटर हो गए। इससे पहले मंडी में तो पुराना एक चल रहा है खिदमत सेंटर, तो आजमाबाद, बेला, प्लेरा और ये सेकलू में अभी खुला है। ये सारे अभी पिछले 2-3 महीने में ही शुरू हो गए हैं। तो इससे क्या होगा कि आप अगर आप बैंक चक्कर लगाते हैं तो आपने भी देखा होगा कि बैंक में अब रश काफ़ी हद तक कम हो गया। तो यही है, इसका यही मेन फ़ायदा है कि लोगों को बैंक आने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर के पास ही जो खिदमत सेंटर पड़ता है वहीं से ही आप बेसिक फैसिलिटीज अवेल कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं जम्मू कश्मीर बैंक वालों का नहायत ही अकीदत से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे भाई आप ही जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि मंडी बैंक में रश की वजह से कितने ही लोग दर बदर थे। ये नहीं कि वो बैंक वाले काम नहीं करते थे, काम करते थे, लेकिन रश की वजह से उनको भी परेशानी होती थी। अब उनका इतना ही मेहरबानी हुई है कि उन्होंने ये जो सेंटर दिए हैं जगह जगह पे, ये एक हमारे पंचायत सेकलू में आज ये खिदमत सेंटर खोला गया है। तो यहाँ के जो लोग हैं, पंचायत सेकलू है, सलोनिया ए बी है, चकराड़ा है, बायला है, इन लोगों को ये यहाँ नज़दीक पे पड़ता है, तो इन लोगों की डिमांड भी थी कि यहाँ एक सेंटर खोलना चाहिए, तो लोगों का जो रश मंडी बैंक से वो कम हो जाएगा, तो यहाँ लोगों को नज़दीक इनका काम आसानी से होगा।